अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी मैं बस ऑफिस से निकला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा, आज रेनी वेदर है तो थोड़ा सा इटली का जो शहर है तोरिनो, उसके बारिश के नज़ारे करा दिए जाएं। माशाल्लाह मौसम अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो गया, और बस ये कि बारिश से थोड़ी सी सर्दी आ रही है और खिजान का भी मौसम आ रहा है, तो हमने कहा आपको थोड़ा सा शहर की सैर करा दी जाए अपने कैमरे की आंख से। और वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी था कि तकरीबन रात 3 बजे से लेके अब तक, जो कि दिन के 12 बज रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है। और अभी मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, पर यह कि रात से काफ़ी तेज़ बारिश थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोस में, मतलब इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल भी मतलब रोड पे नहीं नज़र आ रहा, यानी इनका मतलब इतना जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं कि सड़कें जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ मतलब किसी ने पानी फेंका होता है, मतलब सड़क थोड़ी थोड़ी सी जो है वो गीली हो जाती है, पर ये है कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कहीं से भी कि इधर रात से जो है वो तकरीबन 12 बजे से बारिश हो रही है, यानी 8-10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो मकसद ये है कि मतलब हमारी जो हुक्मरानों की और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोई नीयतें इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो हमारे साथ सारे मसले वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब ड्रेनेज का भी है, आजकल सैलाब भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, तो मतलब इस चीज़ का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इनके पास कोई हमसे ज़्यादा दिमाग है या इनके पास कोई ज़्यादा रिसोर्स हैं, ऐसा कतन नहीं है। सिर्फ जो चीज़ मुझे मतलब अपने एक्सपीरियंस से फील हुई है वो ये है कि इन लोगों की नीयत अच्छी है, इन लोगों का अपनी कौम के साथ मतलब ये लोग सिंसेयर हैं। और सबसे जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे फ़र्क फील हुआ है पाकिस्तान में रह के और इधर रह के, वो ये है कि मतलब जो इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा मज़हब हमें मतलब जो चीज़ सिखाता है, वो चीज़ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी मतलब जिसको आप कह सकते हैं मतलब बिल्कुल भी किसी इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि मतलब अगर आप कोई पुलिस में मुलाजम हैं, पुलिस में आप अगर ऑफिसर हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप SHO हैं, तो आप जो दिल आपका चाहे आप कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट इधर बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ मतलब हर एक बंदे की इधर मतलब जो है वो एक रिस्पेक्ट है, अगर आप फॉरेनर हैं आपकी भी रिस्पेक्ट है। हाँ कुछ है, मतलब एरियाज में कुछ लोगों में जो मतलब इधर पढ़े लिखे नहीं है उनमें मतलब ये चीज़ है कि वो थोड़े से मतलब तंग नज़र वगैरह हो सकते हैं, तंग नज़र होते भी हैं, बट ये कि इधर की नई जनरेशन जो है, इधर के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मतलब इक्वल राइट्स पे और इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं, मतलब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं। तो इस वीडियो के साथ मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी जहाँ तक हो सके इंसाफ करें, अपने घर से इंसाफ शुरू करें, अपने आप से इंसाफ शुरू करें, अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों के साथ इंसाफ शुरू करें, क्योंकि हमारे माशरे में ऑब्वियसली बीवी का भी जो है वो अक्सर इंसाफ नहीं दिया जाता। मतलब बीवी को इंसाफ देने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ मतलब उसकी गलत चीज़ों में आप उसकी साइड लें। ऑब्वियसली इंसाफ का मतलब ये होता है कि आप बगैर अगले बंदे के कि आगे आपके सामने कौन है, बीवी है, बहन है, बेटी है, बेटा है, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप उसके साथ मतलब हर चीज़ का फैसला करें। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करें, अपने आप से शुरू करें, क्योंकि जब आप अपने घर से शुरू करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी को भी जो है वो बेहतर बना सकेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का, आप सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और सब भाइयों को जो है वो जुमा मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।